शब्बीर भाई को, दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह ये रिश्ता आज तय हो रहा है, हम दोनों को मुबारकबाद देना चाहेंगे। शब्बीर भाई और वाजिद भाई ये सब राजस्थान से हैं, जयपुर से हैं, और डॉक्टर साहब बहुत रोज से फारूकी साहब जो हैं इन लोगों के लिए बहुत वरिड थे कि सब अच्छे से हो जाए। तो माशाल्लाह दोनों दुल्हन दुल्हन के वालिद वालदा को और सब पूरे खानदान को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, और इंशाल्लाह ये शादी की तारीख भी तय होगी, फिर हम लोग हाजिर होंगे। और आज जितने भी लोग हमारे साथी हैं, सुनील पाल जी, मुश्ताक खान जी, अनिल धवन जी, गुरुवचन जी, अनिल कपूर, आरिफ खान, सुफियान कपाड़िया, सना खान, जितने भी कलाकार हैं यहाँ पे आए हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक नोटिस पे सब लोग आ चुके, दशहरा भी है, सबकी मुबारकबाद। सब लोग बिजी थे, पवन जी हमारे जो मीडिया के हेड हैं वो भी यहाँ पे शामिल है अपनी टीम को लेकर, तो बस ऑल द बेस्ट कहूँगा। डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब तो बहुत नेक इंसान है। डॉक्टर साहब का ऐसा है कि मैं बताऊँगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन ऊपर मालिक और नीचे डॉक्टर साहब की वजह से आज मेरी जान बची कोरोना से, और मैं इनके लिए जोरदार तालियां होंगे। अगर ये ना होते तो आज हम यहाँ पे स्टेज पे ना होते, तो करता तो सब ऊपर वाला, लेकिन मालिक ने इनको बहुत नवाजा है और बहुत नेक इंसान है और हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं अक्सर। तो बस डॉक्टर साहब दो लफ्ज़ का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अली भाई और हमारे आर्टिस्ट जो आए यहाँ पे, और मुबारकबाद देता हूँ भाई को इंगेजमेंट के लिए, और खुशी तौर पर शब्बीर भाई जो समझी साहब हैं वो आए, सबको लेकर इतना वक्त दिया उन्होंने, सारे लोगों ने मेहमान के किसी हमारे उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी दोस्तों, आज कलाकारों की तरफ से एक शेर बोलना चाहता हूं दुआ की शक्ल में, अगर अच्छा लगे तो आपकी तालियां जो बजेंगी मैं समझूंगा आपको, आप लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो बस यही कि दोनों के लिए, अक्सा और कैफ के लिए, कि गली गली में ये चर्चा आम हो आपका, गली गली में ये चर्चा आम हो आपका, फलक के चांद से ऊंचा मकाम हो आपका। अक्सा कैफ की जोड़ी है प्यारी, खुशी मिले सबको कि आसमां की बुलंदी पे नाम हो। और डॉक्टर साहब के लिए इतना ही कहूँगा कि डॉक्टर साहब के बारे में मुझे अली भाई ने बताया है, मेरी पहली मुलाकात है डॉक्टर साहब से, मेहता फारूकी साहब मैं चाहूँगा कि आप जरा मेरे बगल में आए ताकि आपके लिए कुछ कहने का मजा भी आए। दोस्तों ये मेहता फारूकी साहब वो शख्स है जिसके बारे में अभी इन्होंने अली भाई ने हमारे थोड़े से कम शब्दों में बताया, मैं भी कम शब्दों में कुछ इनके बारे में बताना चाहूँगा। अगर मेरी बात बिल्कुल सही लगे, दुरुस्त लगे तो प्लीज़ थोड़ा हाथों को तकलीफ ज़रूर देना। देख रहा हूँ कि ताली बजाने का मौका आ रहा तो आप कंजूसी कर रहे हैं। हाँ तो मैं फारूकी साहब के लिए कुछ कहना चाहूँगा, ठीक है। वो सबको गले से लगा के चलता है, वो सबको गले से लगा के चलता है, हर एक को अपना बना के चलता है। कोई कैसे लगाए उनके कद का अंदाजा, कोई कैसे लगाए उनके कद का अंदाजा, वो आकाश है फिर भी सर को झुका के चलता है। थैंक यू। इनके बारे में बस इतना ही बताया गया कि बहुत दानी है और बहुत लोगों का साथ दिया इन्होंने कोरोना पीरियड में, और जो भी है एक्स वाई जेड मदद का दूसरा नाम हमारे डॉक्टर साहब है। मैं चाहूंगा कि हम भी यहाँ इसी आस पर आए कि हम, मैं ऑल इंडिया लोकलाइक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और हमारे अभी एजुकेशन के कई बच्चे एजुकेशन के लिए महरूम रह जाएंगे अगर उनकी फीस ना भरी जाए।
तो उम्मीद है कि हम जो मुद्दा लेकर यहाँ आए हैं वो मुद्दा हमारे डॉक्टर साहब पूरा करेंगे, ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा करता हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया अनिल भाई, और मैं चाहता हूँ कि देर न करते हुए खानों के खान मुश्ताक खान जोरदार तालियां। मुश्ताक खान साहब मुबारकबाद दे रहे हैं, जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। जी को मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत खुशी हो रही है आप सबको देख के। हाँ बजी भाई, बजी भी अक्सा की, अक्सा और कैफ की जो इंगेजमेंट है, जो सगाई है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे भाई अली भाई का, ये इन्होंने हमें इतना डॉक्टर साहब के बारे में बोला कि आपकी इतनी तारीफ की है कि मैंने कहा यार कुछ भी हो जाए यहाँ तो जाना ही जाना है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद मोहम्मद कैफ और अक्सा बॉय, और इंशाअल्लाह ये शादी में फिर जरूर आना होगा, तो इनके दोनों बच्चों के लिए बहुत बहुत दुआएं। बस यही मैं चाहूँगा। और आ जाओ भाई जावेद, जितने भी कलाकार काफ़ी कलाकार इकट्ठे हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ जी। और नितिन, नितिन जो है ये बहुत अच्छे सिंगर हैं और ये लिरिक राइटर हैं। इन्होंने अगर याद हो आपको गाना कौन सा, हाँ आमिर खान रानी मुखर्जी का जो गाना था आती क्या खंडाला, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा और ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा कि फूले फले और जिंदगी में हमेशा कामयाब रहे। और खुशी की बात है आज पूरी टोली आई है, सुनील भाई साहब, अरे भाई, सबकी दुआ है। मैंने काफ़ी गाने लिखे हैं जिसमें आतिका खंडाला, अपुन बोला तू मेरी लैला, आयला रे आयला तीजा मायला, कम बख्तिश खल्लास, भाई का बड्डे है। और हमारे जो भाईजान हैं इनके जो बेटे हैं उन्होंने फिल्म बनाई हिंदी मराठी में जिसमें मैंने म्यूजिक किया है, तवा गरम है तो अंडे को फोड़ दो, जैसे कि लोहा गरम है मार दो हथौड़ा। तो बस ये फिल्म बहुत जल्दी रिलीज होगी, आप सबकी दुआ चाहिए उसके लिए। और मैं आप चाहूंगा सुनील बाल जी कुछ बोले हमारे साथ। लगा लेते बाइट इधर ही कर लेंगे। सुनील बहुत बोल चुका है, अब अनिल की बारी है। आइए अनिल धवन जी। अनिल धवन जी के जोरदार तालियां। इन्होंने कहा था तेरी गली में ना रखें कदम आज के बाद, लेकिन ये प्यार मोहब्बत देखने के बाद ये रोज इधर ही दिखेंगे। हेलो, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सबका प्यार है इसीलिए आज भी इस मंच पे मैं खड़ा हूँ। ना जाने कितने हजार मंच पर खड़ा होके मैंने इस चीज को दोहराया है बिकॉज आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। एक चीज बोलने के लिए मैं कतराऊंगा नहीं, मगर आपको बताना भी चाहूंगा। मुझे इंडस्ट्री में 52 साल हो गए आज, 52 ईयर्स, और इस साल मैंने अपने आप को 75 ईयर्स कंप्लीट किया है और 76 ईयर्स में मैं गया हूं। ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से है, वरना ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता था। और आज भी मैं काम कर रहा हूं। शामिल है दुआ में याद रखना, अच्छा लगा आज आप लोगों के सामने रूबरू में है। लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। अब चुके जो रस्म हो होगी और मीडिया भाई प्लीज, थैंक यू। वीडियो नहीं चलेगा अभी। वाजिद भाई को मुबारकबाद देना चाहूँगा, उनकी बच्चे की एंगेजमेंट है आज, और ये जो दूल्हे हैं वो जयपुर से हैं, और ये आज
आज रिश्ता तय हो गया। उसी लाइफ के मौके पे हम सब लोग आए हैं, हमारे फिल्म के सारे आर्टिस्ट जो हैं, सुनील पाल जी, मुश्ताल भाई, अनिल धवन जी, दिलीप सिंह जी, सुफियान कपाड़िया, आरिफ खान, जावेद हैदर, नितिन जी जिन्होंने गाना लिखा था चलती है क्या खंडाला, ऐसे सब 8-10 लोग हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद देने के लिए। माइक में बोलने दे, हमारे माइक में भाई को और डॉक्टर फारूकी साहब, हम उन सबके बुलावे पे यहाँ पे मौजूद हैं। अक्सर देखा है ऐसी पार्टी बहुत रियली पहुँचते हैं यहाँ का खास मकसद, क्योंकि हमने देखा है अक्सर बॉलीवुड आप कवर करते हैं, किसके क्या आपको खींच कर लेकर आए यहाँ पर? पूरी बॉलीवुड को आधे से ज़्यादा बॉलीवुड खींच कर ले आए आप, सुनील पाल पूरी मंडली आप। देखिए हम लोग फारूक राजा की मोहब्बत है, देखिए हम लोग कमिटेड लोग हैं और फारूकी साहब जो हैं उनकी वजह से आज मैं दोबारा ऊपर मालिक नीचे डॉक्टर साहब थे कि आज मुझे सेकंड लाइफ मिली है और आप सबके बीच में मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। और डॉक्टर फारूकी साहब मुझे लगता है कि ये नहीं होते तो शायद मैं नहीं होता, ये तो मौत है तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन इनका बहुत बड़ा अहम रोल था और यही वजह है कि हम सब लोग, मेरी वजह से सारे कलाकार यहाँ पे आ पाए हैं, मीडिया आई है। दोबारा डॉक्टर साहब का शुरू से आज मॉडल फैमिलियर हो गए हमारे योग्य राज और फैमिलियर हमेशा आपके साथ मिल के पेशेंट हो डॉक्टर का कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। डॉक्टर भगवान होते हैं बुरे वक्त में, मतलब आखिरी मतलब मौत के मुझे आप निकाल कर लेकर आए वाली बात नहीं, मैं कोई ताकत नहीं हूँ, बहुत बड़ा ऐसा खड़े इन्होंने खड़े उसने उनका जो मामला था वो वाकई में बहुत ही क्रिटिकल, मतलब वो बस शिफा दी जाता था घर में इनको, मैं होम क्वारंटीन था उनको रखा गया, सारा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल और उससे ये बाहर आए, मगर अफसोस की बात रही आज हमारे बीच बाकी नहीं है जो हॉस्पिटल गई और वो आ गए, इस चीज़ का अफसोस हमेशा करेगा हम उनके लिए कुछ। आइए आइए, इतना बड़ा लाइफ का ये हिस्सा था जो बता रहे डॉक्टर साहब, शेयर कर रहे क्या कहना चाहते हैं? माइक में बोलिए। हाँ वो सही कह रहे हैं, मेरी काम करके मेरी मिसेस को भी उनका टाइम उतना ही था डॉक्टर साहब को उनके पूरे परिवार को मैं स्पेशली बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस मुबारक मौके पर कि अक्सा और हमारे कैफ साहब एक रिश्ते को बदलने जा रहे हैं, दोनों में दुआ ये है कि दोनों जी हजारों साल रहे हमेशा खुशहाल, बड़ों की दुआ से रहे मालामाल, यही तेजी से दुआ दे रहे हैं आए हुए तमाम बॉलीवुड के कलाकार और उनका फैन सुनील पाल। क्या बात है, बात अली साहब ने इतनी सारी बातें कह दी, बस वही बात को दोहराना है और कुछ नहीं है, ये है कि नेक काम में आने का मौका मिला उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा सबसे पहले तो अली भाई का जिन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी और डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब की बच्ची के लिए अक्सा के लिए मैं तहे दिल से उनको दुआएं देता हूँ और मोहम्मद कैफ को भी ये जोड़ी बने रहे सलामत रहे और जल्द से जल्द इनकी शादी हो और इनकी ज़िंदगी खुशहाल हो, बहुत ज़्यादा आवाज हो जैसे कश्मीर बाहर। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। जी मैं सबसे पहले अली खान साहब मेरे बड़े भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो फंक्शन में डॉक्टर साहब के कहने पर हम सब और अली भाई के कहने पर हम इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब के बारे में जो बताया गया है कि
मोहब्बत दानी शख्स है और किसी का दुख नहीं देख सकते, किसी का दर्द नहीं देख सकते। तो बस यही सारी चीजें हमको खींच कर मिलाई है और इन सब चीजों का एक हमको बताने वाले हमारे अनिवार्य। तो बस मैं क्या कहूँगा कि कोरोना काल के दौरान अली भाई जब बीमार हो गए भाभी अस्पताल में और ये दूसरे अस्पताल में, उस वक्त ऐसे में कोई अपना घर का फर्क भी अपने वाजिद हो गया घर का, कोई भी दूसरे फर्क बीमार भी होता था उसको हाथ नहीं लगाता था। ऐसे में डॉक्टर साहब ने उनकी जो खिदमत की अली भाई की, तो उसी खिदमत के एवज में वही एहसान को एहसान मान करके जो काम किया जा रहा है, जो आज यहाँ सब इकट्ठे हुए अली भाई की मोहब्बत में और डॉक्टर साहब की मोहब्बत में, मैं बस यही चाहूंगा कि जो काम किया है इन्होंने कि प्यासे को पुल पर जिसने पानी पिला दिया उसने सबक दर्जों को नीचा दिखा दिया। थैंक यू सो मच।